सावन मास में पड़ने वाले कांवन यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा व उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के साथ जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ADG जोन दावा शेरपा, कमिश्नर जयंत नार्लिकर, DIG रेंज राजेश जी मोदक, अपर आयुक्त अजय कांत सैनी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रवण मास 6 जुलाई से शुरू के 3 अगस्त तक चलेगा, शिवरात्रि 19 जुलाई को तथा रक्षाबंधन 3 अगस्त को पड़ेगा। ये सभी महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो बहुत ही मायने रखती हैं, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री से चर्चा की गई। तीनों मुख्यमंत्रियों द्वारा व्यापक जनहित में इस वर्ष कांवड़ यात्रा को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया। जिन्होंने बहुत सकारात्मक माहौल में ही सर्वशक्ति सहमति दी और आज हम सब तीनों राज्य मिलकर के इस समस्या के समाधान के लिए यहाँ पर एक साथ इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं। मुख्य रूप से जो केंद्र बिंदु है कावड़ यात्रा का, वह हरिद्वार में हरिजी की पीढ़ी पड़ेगी उत्तराखंड में। लेकिन यात्रा का जो सबसे बड़ा जमावड़ा होता है कि गाजियाबाद से लेकर के हरिद्वार के बीच में होता है। स्वाभाविक रूप से इन सबको लेकर के राज्य सरकार उत्तर प्रदेश पर एक भारी दबाव पहले से इस बात को लेकर के और कोरोना संकट को देखते हम लोगों ने समझ में जो बातें अब तक लिखी है, श्रावण मास 6 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और 3 अगस्त तक ये चलेगा। साथ साथ जो श्रावण जो शिवरात्रि है वह 19 जुलाई को है और रक्षाबंधन 3 अगस्त को पड़ेगा, यानी श्रावण पूर्णिमा जो पड़ेगी वह 3 अगस्त को पड़ेगी। ये जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं कि हम सब के लिए बहुत मायने रखती है और इससे मैं वही कांवड़ संघों से संवाद बनाया है, धर्मगुरुओं के साथ संवाद बनाया है और उसके माध्यम से एक रास्ता निकालने का प्रयास किया है। हरियाणा और उत्तराखंड का जो भी प्रस्ताव इस समय में होगा हमें प्रसन्नता होगी उसे आगे बढ़ाने में और बाद में हम सब मिलकर के कोई एक सहमति पर पहुंच सके तो बहुत अच्छा होगा। मैं फिर से एक बार हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी का, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और एक बहुत बड़ा हमारे सामने चैलेंज है कांवड़ यात्रा का, इसके बारे में जो एक सकारात्मक माहौल में हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित ही अब तक जैसे सभी प्रमुख त्योहारों को पूर्व के वर्षों में हम संपन्न करते रहे हैं, लेकिन इस वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए इसे स्थगित करने के बारे में जो बातें सामने आ रही हैं जो कि आप लोगों के प्रस्ताव होंगे उस प्रस्ताव को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी से सादर अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में हरियाणा सरकार के क्या प्रस्ताव होंगे और इसके बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड से ही अनुरोध करूंगा कि संबंध में देखिए अगर अपने भावनाओं से अवगत करा सकेंगे तो हम लोगों को फिर इसे आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तीनों प्रदेशों के अधिकारीगण, एक बहुत ही मुख्य विषय आने वाली कांवड़ की यात्रा का हम लोगों को विचार करने के लिए योगी जी ने कल फोन पर से बातचीत की थी, पहले से विचार कर लेना चाहिए ताकि कोरोना का युद्ध समय में के लिए कोई भी हमको ऐसा अवसर नहीं आने देना चाहिए जिससे लोग इकट्ठे हों और सोशल डिस्टेंसिंग का ये जो एक प्रावधान है इसको हम तोड़ने दें किसी को भी, तो उसी बात को लेकर के और आज की जो बातचीत की है आपने विषय रखा है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं चाहूँगा कि हम लोगों को एक कोई ऐसी रणनीति बना लेनी चाहिए सांझी ताकि हम लोगों को अपील कर सकें, लोगों को मना कर सकें, वो लोग यात्रा में ना शामिल हों। ऋषिकेश और जाते हैं इस बार हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री का